नमस्ते दोस्तों, देसी काउस डॉट इन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल अपने देशी गौवंशों को समर्पित है। यहाँ पे हम इस महान देशी गौवंशों के बारे में वीडियो शेयर करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिया गया लिंक क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करें। नमस्कार, आज हम अग्रवाल ऑर्गेनिक फार्म पे राजस्थान जयपुर बस्ती के पास में गढ़ गौशाला में उपस्थित है। यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अप्रैल महीना अभी शुरू होने वाला है, इस समय राजस्थान में टेम्परेचर कितना बढ़ता है और किस तरह से ज़मीन की हीट बढ़ने के बाद कोई भी पेड़ पौधे हैं इनको सर्वाइव होने में मुश्किल हो जाती है। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो खुली ज़मीन है इसमें कितना टेम्परेचर आता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से खुली ज़मीन है, यहाँ पे कोई फसल नहीं है, कोई मल्च नहीं है, पानी भी नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर है 57 डिग्री सेल्सियस 57.3। तो अभी टाइम हुआ है लगभग 3 बजने को है, इस समय ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कि टेम्परेचर जहाँ पे मल्च है, हमने यहाँ कुछ मल्चिंग की हुई है। मल्चिंग में 1 स्क्वायर मीटर जगह में 4 किलो मल्च डाला हुआ है, उसमें कितना टेम्परेचर मल्च के ऊपर है आप देखते हैं और मल्च के नीचे कितना टेम्परेचर है वो देखते हैं। ये मल्च के ऊपर टेम्परेचर है 49 डिग्री सेल्सियस 49.876, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि नीचे कितना टेम्परेचर है। सेल्सियस। तो ये डिफरेंस है ऊपर और नीचे में। यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये डिफरेंस ऊपर और नीचे में है। ये 2 इंच की लगभग मल्च है। तो अगर आपका कोई पौधा ग्रो करना है तो उसको आइडियल टेम्परेचर होता है, कोई भी पौधे को उगने के लिए सबसे आइडियल टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, परंतु यहाँ टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री है 2 इंच के मल्च के अंदर भी। तो अगर थोड़ा सा भी पानी मिले और थोड़ा मल्च हो तो टेम्परेचर और कम हो सकता है। तो अपने को ये देखना है कि अपने धरती का टेम्परेचर कम कैसे रखा जाए। एक तो पेड़ों की छाया है उससे और कम हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ा मल्च होना भी ज़रूरी है, तभी टेम्परेचर वो आपके रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर कभी भी आप खेती कर रहे हैं तो। थैंक यू। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कुछ अच्छे सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।